हेलो मेरे डियर इंजीनियर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे खासे एवं स्वस्थ होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है निखिल और मैं आज आप सभी लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूं, जो कि मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा ऑटो कैड के कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। गाइस, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस TDP चैनल में। गाइस, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था डिस्प्ले कंट्रोल और फाइल मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के सेक्शन पे लिंक दिख रहा होगा, आप सिंपली वहां से देख लेना। और जब तक वो वीडियो आप लोगों नहीं देखोगे तब तक इस वीडियो में जो हम लोगों ने फर्स्ट ड्राइंग किया है, आज इस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट ड्राइंग किया है, तो उस ड्राइंग में कुछ कमांड हम लोगों ने यूज किया है जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। वो वीडियो जरूर जाके देखो, तभी आप लोगों को ये ड्राइंग करने आएगा। सो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस TDP चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी दबाना मत भूलो, ताकि आपको टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो की अपडेट मिल सके। और गाइस, मैं एक और बात बता दूं, तो अभी जो ये सब वीडियो है इंजीनियर्स के लिए मैं डाल रहा हूँ, कुछ दिन बाद आप सभी लोगों के लिए टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो आने वाली है, आप जरूर TDP चैनल को ज्वाइन करो। और मैं बता दूं, तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप TDP चैनल के व्हाट्सएप नंबर से जरूर जुड़े, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टा पेज तीनों को फॉलो एवं ज्वाइन जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है, आप सिंपली जाएं और वहां से सबको ज्वाइन एवं फॉलो ये सब कर ले। सो गाइस, वीडियो को लंबा ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने ऑटो कैड की दुनिया में। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑटो कैड की दुनिया में। तो सो गाइस, आज हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके टाइप्स के बारे में। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को थ्योरी की तरफ चलना होगा, क्योंकि ऑटो कैड में तो प्रैक्टिकल अगर मैं करके बता दूं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरी थोड़ा कवर कर लेते हैं, तब हम लोग प्रैक्टिकल में एंट्री करेंगे। सो गाइस, चलते हैं हम लोग अपने थ्योरी पार्ट के तरफ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने छोटा सा एक PDF तैयार किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइप्स और टाइप्स के बारे में। तो इस पे मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट है मेरा वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको कहते हैं, ये आपको जो दिख रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है तो मैं आपको बता दूं, इस ऑटो कैड में कोई भी पॉइंट मेरा कहीं पे भी होगा वही मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकेंड है मेरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं इसके बारे में बता दूं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो फर्स्ट आता है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, तो ये मेरा हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकेंड आता है मेरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं बता दूं, तो इसमें भी एक्स वाई जेड तो रहेगा, बट इसको हम लोग इसका डिस्टेंस और एंगल से मेजर करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग ऑटो कैड में सॉल्व करेंगे। आज संभव नहीं हो पाएगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी इसमें समझाना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपको शुरू में ही बोल दिया था कि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिंटेक्स जो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तीन सिंटेक्स होगा, तो ये हो गया मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं आपको बता दूं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम लोग 2D फ्रेमवर्क में जब रहेंगे, जब भी हम लोग 2D में काम करेंगे, तो उस समय हम लोगों को तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ही शो होगा। जब भी हम लोग 2D में काम करेंगे तो उस समय हम लोग को दो ही कोऑर्डिनेट शो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। जब हम लोग अब आप बात आती है कि जेड कोऑर्डिनेट कब शो होगा, अब मैं बता दूं, तो जेड कोऑर्डिनेट जो है हम लोगों का, जब मेरा कोई काम हम लोग 3D में करेंगे, तो जब मेरा ये जो आप वर्किंग स्पेस दिख रहा है, तो जब ये हम लोग जब 3D में ओपन करेंगे तो उस समय मेरा जेड कोऑर्डिनेट भी शो होगा। तो गाइस, ये हो गया मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का 2D 3D में कौन कोऑर्डिनेट शो होगा। तो गाइस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, तो मैं इस फिगर के जरिए आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूं। तो मैं बता दूं, तो ये आप लोगों को दिख रहा है, ये हो गया मेरा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और ये जो दिख रहा है आपको ये नीचे की तरफ, तो ये मेरा जेड कोऑर्डिनेट है। बट 2D फ्रेमवर्क में मैंने जैसे बताया कि लोगों को जेड
कोऑर्डिनेट हम लोग को शो नहीं होगा, तो इसलिए ये जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसको मैं अभी तत्काल के लिए यहाँ पे हटा, आप लोग को दिखाने के लिए मैंने बना दिया था, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कब शो होगा, तो मेरा जब 2D वर्क में काम करेंगे तो उस समय एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट शो होगा, और जब हम लोग 3D में काम करेंगे तो उस समय एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों कोऑर्डिनेट हम लोगों का शो होगा। तो ये हो गया मेरा गाइस। अब मैं बता दूं तो ये पॉइंट जो दिख रहा है बीच का सेंटर का जो पॉइंट दिख रहा है, तो इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन का मतलब मैं समझा दूं, तो यहाँ पे जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा वो जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी जीरो होगा, और जेड कोऑर्डिनेट का भी वैल्यू जीरो होगा जब हम 3D में होगा, तो उसी को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एक्स एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, दोनों मेरा पॉजिटिव होता है, ये आप लोगों को पता होगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट आता है, तो इसमें हम लोगों का एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, ये आप ये भी पता होगा। थर्ड जो है ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो इसमें एक्स निगेटिव वाई निगेटिव दोनों निगेटिव होता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होता है, तो ये आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा। तो इसको ज़्यादा ना डिटेल करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आगे जब आते हैं तो यहाँ पे मैं बता दूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का दो टाइप्स होता है। तो फर्स्ट आता है हम लोग का एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको कहते हैं, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जो वर्किंग स्पेस आपको दिख रहा है इस कोऑर्डिनेट में जो भी पॉइंट होगा मेरा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो वो मेरा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा। तो अब बता दूं तो ओरिजिन मैंने आप लोग को बताया कि ओरिजिन कहाँ पे होगा, इस फिगर में ओरिजिन कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का जो सेंटर यहाँ पे दिख रहा है यही मेरा ओरिजिन होगा। तो जो भी पॉइंट होगा मेरा इसी ओरिजिन से अब आएगा, ठीक है। तो यही मेरा हो गया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। तो अब नेक्स्ट जो आता है हम लोग का रिलेटिव कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब मैं समझा दूं, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस पॉइंट। तो ये हो गया मेरा रिलेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो रिलेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का अब मैं इस पे बता दूंगा कि अब इस पे जो भी मेरा पॉइंट होगा, जितने भी पॉइंट होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो उसके प्रीवियस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे एब्सोल्यूट में होता था कि ओरिजिन से जो भी पॉइंट होगा, तो अब इसमें क्या होगा कि ओरिजिन से एक बार जो चला गया फिर जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो पॉइंट मेरा ओरिजिन हो जाएगा, तो वही प्रीवियस पॉइंट उसका मतलब ओरिजिन हो जाएगा। तो यही मेरा हो गया रिलेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो गाइस हम लोग आज एब्सोल्यूट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिलेटिव का एक एग्जांपल देखेंगे, मतलब कि हम लोग ऑटोकैड में हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एब्सोल्यूट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक एग्जांपल लेता हूं और उसको ड्रॉ करता हूं आप लोगों के सामने, और आप लोग भी घर पे उसको जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसको ड्रॉ करना और प्रैक्टिस करना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो गाइस आज आप लोगों को बहुत खुशी होगी क्योंकि आज हम लोग फर्स्ट ड्राइंग जो है हैंड से ड्राइंग करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो ये जो है आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे और ड्रॉ करेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने ओनली ओरल ही किया, मतलब मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाया ही है कि इसको क्या कहते हैं, अभी हम लोग बेसिक टूल्स वाली पढ़ रहे थे। तो आज जो है हम लोगों का फर्स्ट जो है हैंड ड्राइंग आ चुका है। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो आप लोगों को इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा प्रोसीडर दिया हुआ है, अब हम लोग प्रोसीडर पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको ड्राइंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो है हम लोगों को बोला जा रहा है ओपन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एंड ओपन ए न्यू ड्राइंग। तो ओपन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एंड न्यू ड्राइंग, तो हम लोग अपना ऑटोकैड जो है ओपन कर चुके हैं और एक नया ड्राइंग भी ओपन कर चुके हैं। तो सेकेंड स्टेप है अब हम लोगों का सेट दी नेसेसरी लिमिट एंड यूनिट। तो अब जो भी हम लोग ड्राइंग करेंगे, जब भी कोई भी ड्राइंग करेंगे तो उसमें लिमिट और यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट आता है लिमिट का मतलब समझा दूं, तो लिमिट एक कोई भी ड्राइंग जो होगा वो मेरा एक लिमिट में होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वर्किंग स्पेस जो है इनफाइनाइट वर्किंग स्पेस है, तो इसके अंदर एक लिमिट ले लेंगे और उस लिमिट के अंदर ही हम लोगों का ड्राइंग ड्रॉ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कमांड जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा लिमिट, और शॉर्टकट की हो जाएगा मेरा LIM। तो आपको कीबोर्ड का टाइप करना है LIM। तो जैसा कि मैं आप लोग को दिखा दूं, तो LIM यहां पे टाइप करता हूं, तो देख सकते हैं लिमिट आ गया। तो अब इस कमांड के अंदर जाने के लिए इंटर या स्पेस का फिर से यूज करेंगे। तो यहां पे जैसे तो हम लोग अंदर जा चुके हैं, अब पूछ रहा है हमसे कि लिमिट जो है हम लोग लोअर लेफ्ट में कितना, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में कितना ले। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में मैं यहाँ पे 0.0 ले लेता हूँ, सॉरी 0, जैसे ही कॉमा लेंगे तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा, फिर 0.0 जब डालेंगे और यहाँ पे आपको, तो इसको फिर से हम लोगों को इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो ये मेरा 0.0 सिलेक्ट हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ऊपर
राइट कॉर्नर में कितना लेंगे। तो राइट कॉर्नर में चलिए हम कुछ और ले लेते हैं। तो राइट कॉर्नर में जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं, तो 100, 200 यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया, और फिर हम लोग को नंबर टाइप कर दिया, तो फिर से इंटर क्लिक कर देंगे, तो ये मेरा एक लिमिट सेट हो गया। इसी लिमिट के अंदर हम लोग का ड्रॉइंग है जो है ड्रॉ होगा। देख सकते हैं यहाँ पे टाइप एक कमांड में आप लोग को सारा चीज दिखा देगा। तो ये मेरा हो गया लिमिट का काम। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का यूनिट है। तो यूनिट के बारे में मैं बता दूं, तो यूनिट का मतलब होता है कि कोई भी ड्राइंग जो हम लोग करते हैं तो कोई यूनिट लेके ही करते हैं, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, चाहे मिलीमीटर में हो, चाहे वो इंच में हो, चाहे फिट में हो, कुछ भी में हो। तो हम लोग यूनिट कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, तो कमांड है, तो उस कमांड का नाम है यूनिट, और उसका शॉर्टकट की है, आपको कीबोर्ड का टाइप करना है UN। तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करता हूँ UN, और मैंने आप लोग को बताया है कि कोई भी कमांड में एंट्री करने के लिए स्पेस या इंटर का यूज करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे अंदर इसके अंदर आ चुके हैं, तो अब मैं इसके अंदर बता दूं, फर्स्ट जो आता है हम लोग लेंथ टाइप। तो लेंथ टाइप हम लोगों को क्या रखना है, तो इसके अंदर पांच आते हैं। तो फर्स्ट जो है आर्किटेक्चरल है, दूसरा है डेसिमल है, तीसरा है इंजीनियरिंग है, उसके बाद चौथा फ्रिक्शनल है और साइंटिफिक है। इसका इसके बारे में एक अलग से वीडियो आएगी, इसके बारे में सारा इसके बारे में बताऊंगा कि आर्किटेक्चरल में कौन सा लेते हैं, डेसिमल में क्या लेते हैं। अभी जो बाय द डिफॉल्ट है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो जो डिफॉल्ट है उसी तरह छोड़ देंगे, और इस सब को भी ऊपर में जितने भी दिख रहे हैं इसको भी डिफॉल्ट छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्केल में हम लोग आएंगे, तो स्केल में आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे यूनिट मिल जाएंगे, इंच में, फिट में, यूएस फिट, ये सब जितने मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जितने भी है आप लोग को, तो इसके इसका भी एक अलग से वीडियो आएगा। मतलब यूनिट पे यूनिट लिमिट ये सब का अलग से एक वीडियो आएगा, इसमें मैं आप लोगों को अभी दिखाने के लिए अभी बता दिया हूँ। तो बाय द डिफॉल्ट मिलीमीटर में सेट है, तो इसको मिलीमीटर में ही छोड़ देंगे, और यहाँ से इंटरनेशनल और अमेरिकन, तो इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे और इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे लाया था, इसके अलग से मैं इस पे पूरा एक एक चीज इस पे डिस्कस करूंगा, तो इसको ओके यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का यूनिट। अब थर्ड स्टेप है टाइप L एट कमांड विंडो एंड प्रेस इंटर। अब L का मतलब यहाँ पे मैं समझा दूं, तो L का मतलब यहाँ पे लाइन होता है। तो कोई भी ड्राइंग जो हम लोग अब से करेंगे तो वो लाइन लेकर ही ड्राइंग करेंगे, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो मेरा कमांड जो है लाइन है, और उसका शॉर्टकट की है L, तो आपको कीबोर्ड का टाइप करना है L, और यहाँ से देख सकते हो लाइन ऑलरेडी आ चुका है, तो अब इंटर करने के लिए स्पेस या इंटर का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे स्पेस और इंटर का यूज कर चुके हैं, अब हमसे अब आगे पढ़ते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं, तो लाइन आप यहां से ऊपर से टूल बॉक्स में से भी ले सकते हो, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी टूल बॉक्स को आप लोग टच भी मत करना, आप लोगों को कमांड याद करना है, इसलिए मैं आप लोगों को कमांड सोच रहा हूं कि पहले कमांड आप लोग याद कर लो, उसके बाद जब पूरा याद हो जाए तो उसके बाद ऊपर यूज कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ स्टेप हम लोगों को बोला जा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हम लोगों को अब यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट हम लोग से पूछा जा रहा है, तो कितना बोल रहा है फोर्थ स्टेप में देखो, तो 0.0 एट कमांड। तब अब यहाँ पे आपको टाइप करना है 0.0, तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टाइप करते हैं 0, मैंने आप लोग को बताया था कि कॉमा जैसे ही डालेंगे यहाँ पे हम लोगों को लॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से कॉमा डाले तो लॉक हो गया। अब 0 टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है इंटर प्रेस कर, तो इंटर हम लोग प्रेस कर देंगे। अब जो हम लोगों का लाइन जो है यहाँ पे लाइन जो है वो मेरा ओरिजिन से उठ के आया। मैंने आप लोगों को एब्सोल्यूट का डिफिनेशन में भी बताया था कि कोई भी कोऑर्डिनेट पे जो भी पॉइंट होगा वो मेरा ओरिजिन से आएगा। तो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो मैं एक और चीज लोगों को बता दूं, तो इस ड्राइंग को आप लोगों को ड्रॉ करना है विदाउट दी हेल्प ऑफ माउस का यूज करके, आप लोगों को ये फिगर ड्रॉ करना है। मैं आप लोगों को माउस यूज करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को एक एक स्टेप इसमें मैं दिखा सकूं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को माउस को थोड़ा भी यूज नहीं करना है, ओके। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं कि ओरिजिन से मेरा ये पॉइंट उठ के आया है या नहीं। तो ड्रैग करना है, तो ड्रैग करने के लिए क्या बोला था मैंने, माउस का जो का रोटेट बटन होता है उसको प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। तो अब जो देखना, अब देखो हम लोगों का जो ओरिजिन से पॉइंट उठ के आया है, तो आप लोग को दिख रहा होगा पूरा क्लियर, उस समय नहीं दिख रहा था इसलिए मुझे ड्रैग करके ऊपर लाना था, तो इसलिए मैंने माउस का यूज किया। अब हम लोगों को ये लाइन जो आप लोगों को दिख रहा होगा ये 360 रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये 360 रोटेट होगा, बट हम लोग को स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन लाने के लिए एक कमांड होता है, उस कमांड को भी आप लोग याद कर लो। अब हम लोगों को स्ट्रेट लाइन लाना है, तो स्ट्रेट लाइन का कमांड मेरा ऑर्थो हो गया और शॉर्टकट की हो गया, आपको कीबोर्ड का एफ8 जो बटन होगा
उसको प्रेस करना है। मैं यहाँ पे F8 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हम लोगों का जो है लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड स्टेप बोला जा रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का होगा 0,100। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ है 0,100। अब आपको टाइप करना है 0,100 टाइप करना है। तो यहाँ पे 100 जैसे ही टाइप करेंगे फिर एंटर प्रेस करेंगे तो अब जो हम लोगों का जो लाइन है ऊपर की तरफ चला गया, देख भी सकते हो ड्राइंग में भी ऊपर ऊपर से ही बना है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड स्टेप बोला जा रहा है अब स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है 200,100, तो 200,100 इस पे टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। फिर से देख सकते हो अब हम लोगों को ऊपर जा रहा है। मैं यहाँ पे माउस का यूज इसलिए कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप लोग माउस का यूज मत करना। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का है तो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है 200,200, तो 200,200 टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो अब जो देख सकते हो फिर से ऊपर चला गया है। अब स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या होगा, तो 350,300, तो अब आपको टाइप करना है 350,300 टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना है। अब देख सकते हो उसी तरह ड्रॉ हो रहा है जिस तरह फिगर में जो जिस तरह आपको फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम लोगों का स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, तो अब है 500,300, तो अब आपको टाइप करना है 500,300। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 500,300 टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस कर देंगे, और इंटर प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हो उसी तरह ड्रॉ हो रहा है जिस तरह हम लोग का ड्रॉइंग दिख रहा है उसी तरह ड्रॉ हो रहा है। ओके, अब फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को बोला जा रहा है 500,0, तो 500,0 यहाँ पे टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना है। अब देख सकते हो ये मेरा लाइन जो है नीचे की तरफ चला गया है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग को फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो फिर बोला जा रहा है 0,0, तो आपको सिंपली टाइप करना है 0,0 टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना है। अब जो देख सकते हो हम लोगों का यहाँ पे लाइन का काम खत्म हो चुका है। तो अब लाइन कमांड से हम लोगों को बाहर निकलना है तो क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी कमांड में हम लोग एंट्री करेंगे तो उससे बाहर भी निकलना होगा। तो अब हम लोग कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो उस कमांड से बाहर निकल आएंगे। चलिए एस्केप बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एस्केप बटन प्रेस कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये फिगर ड्रॉ हो चुका है। अभी आप लोगों को छोटा सा दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे ड्रैग करके थोड़ा आगे, अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो स्टेप है हम लोगों का, नेक्स्ट स्टेप बोला जा रहा है कि अब हम लोग को सर्कल लेना है। तो सर्कल लेना है, तो अब जो कमांड होगा हम लोगों का सर्कल होगा, तो कमांड मेरा सर्कल होगा और शॉर्टकट की होगा सी। तो आपको कीबोर्ड का सी टाइप करना है और उसको प्रेस कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग सर्कल ले चुके हैं, आप सर्कल यहां से भी ले सकते हो, यहाँ पे भी आप लोग को सर्कल दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से भी सर्कल ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में बोला जा रहा है हम लोगों को अब सर्कल का सेंटर पॉइंट लेने के लिए बोला जा रहा है। तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और कितना लेना है, तो 350,200 यहाँ पे टाइप करना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पे सेंटर ले चुका है, तो अब हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप बोला जा रहा है कि स्पेसिफाई दी रेडियस और डायमीटर फॉर दी सर्किल। अब हम लोगों को इसका रेडियस लेना है, कितना लेना है, तो 50 रेडियस लेना है। तो 50 रेडियस ले लेते हैं यहाँ पे, अब आपको टाइप करना है 50 और इंटर प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये सर्कल ड्रॉ हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो कि सेम टू सेम ड्रॉइंग जो है हम लोगों का फिगर से मैच हो रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का एक कंप्लीट ड्राइंग। आप लोगों को खुशी होगी जानकर के कि हम लोगों ने एक कंप्लीट ड्राइंग किया, और अभी थोड़ा सा इसमें और कुछ बाकी है तो मैं आगे बता देता हूँ। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का प्रेस दी जेड, तो जेड का मतलब मैंने तो आप लोगों को बताया था कि जेड का मतलब होता है जूम। तो कमांड मेरा जूम होता है, उसका शॉर्टकट की होता है जेड। ठीक है, और आपको जेड टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे जेड टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस कर लेता हूँ। तो इंटरप्रेस जैसे ही किया तो जूम कमांड के अंदर आ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो आगे हम लोगों को बोला जा रहा है एड ई इंटर। तो यहाँ पे जो कैपिटल ई का मतलब हो गया, यहाँ पे मैंने ऑल सेंटर डायनेमिक ये सब के बारे में एकदम फुल्ली अच्छे से समझाया पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाकर देख लेना। कैपिटल ई का मतलब हो गया एक्सटेंट हो गया। तो अब हम लोगों को टाइप करना है ई और इंटरप्रेस कर देना है। तो अब जो मेरा ड्रॉइंग होगा यहाँ पे देख सकते हो ये कंप्लीट मतलब पूरा ड्राइंग हो गया। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर ड्रैग कर लेता हूँ थोड़ा। अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा।
तो ये मेरा ड्राइंग का मतलब, एक्सटेंड का मतलब तो मैंने बताया था कि विंडो जितना होगा उतना मेरा जूम करके ले आएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कंप्लीट ये दिख नहीं रहा होगा, और ये कमांड टाइप एक कमांड मैं हटा देता हूं, तो टाइप एक कमांड बार को हटाने के लिए कंट्रोल नाइन को प्रेस करेंगे तो ये मेरा हट जाएगा। तो कंट्रोल नाइन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू क्लोज कमांड लाइन विंडो, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हट गया। तो ये मेरा एक कंप्लीट ड्राइंग हो गया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, तो उम्मीद है आप लोगों को ये ड्राइंग अच्छी लगी होगी। तो अभी तो हम लोगों का ये बेसिक है, धीरे धीरे हम लोग टफ की ओर जाएंगे। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी ये कार्टेशियन का सेकंड पार्ट होगा, जो रिलेटिव। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रिलेटिव के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, और वहां पे इसी तरह एक एग्जांपल लेंगे ड्राइंग का, और वहां पे भी करेंगे। तो वो जो ड्राइंग होगा इससे थोड़ा सा हार्ड होगा, तो क्योंकि मैं आप लोगों को अगर डायरेक्ट प्लान बनाना अगर दे दूं तो वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम लोग इजी का रास्ता अपनाते हैं और इजी से धीरे धीरे टफ की ओर चलेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें।